Hey guys, welcome to my channel WB Freeman Solution. This is Sanjana Giri. We have already done up to question number 13. 14 मैंने एक मेरे सब्सक्राइबर ने ये किया था, क्वेश्चन पूछा था क्वेश्चन नंबर 14. सो मैंने पहले ही इसका वीडियो मैंने अपलोड कर दिया है. सो गाइज, आप लोग क्वेश्चन नंबर 14 देख लेना, बहुत ही ईजी है. तो चलो हम लोग आज क्वेश्चन नंबर 15 से बनाते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 बनाते हैं. बस यही एक बचा हुआ है, उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर हमारा अलजेब्रा है, वो हम लोग बनाएंगे. ओके, तो क्वेश्चन नंबर 15 बनाने से पहले मैं आप लोगों को बोलना चाहती हूँ कि गाइज, अभी तक यदि आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज आप लोग सब्सक्राइब कर लो, ताकि आप लोग को समझने में प्रॉब्लम ना हो और मेरे वीडियोज के नए नए अपडेट्स हमेशा आप लोगों को मिलते रहे. ओके, तो चलो हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 बनाते हैं. तीन बोतलों को के आयतनों का परिमाण, यहाँ पे आयतन है, ठीक है, यहाँ याद रखना वॉल्यूम है. आयतन का परिमाण 5:3:2 है. तीनों बोतलों में फिनाइल और जल, बॉटल में जो फिनाइल और जल का रेशियो यहाँ पे मिश्रण से भरा हुआ है, तीनों बोतलों में फिनाइल और जल का परिमाण यहाँ दिया हुआ है 2:3, 1:2 एंड 1:3. ओके, प्रथम बोतल का 1/3 भाग, ठीक है, द्वितीय बोतल का 1/2 भाग और तृतीय बोतल का 2/3 भाग को एक साथ मिलाया गया है. ठीक है, आप लोग ध्यान से देखना है, यहाँ पे पहला जो फर्स्ट बोतल है उसका 1/3 पार्ट ही मिलाया गया है, सेकंड का 1/2 एंड थर्ड का 2/3 पार्ट ही मिलाया गया है, एक साथ मिलाया गया है. तो जो नया मिश्रण बना है उसमें फिनाइल और जल का अनुपात कितना है. अब आप लोग यहाँ देखो कि जो प्रथम जो यहाँ पे बॉटल का इतना इतना दिया है, ये इसमें जल और फिनाइल दोनों है, फिनाइल और जल इसमें दोनों है. तो पहले तो आप लोग देखो कि यहाँ वॉल्यूम दिया है 5:3:2. ओके, और यहाँ पे दिया है फिनाइल और जल का परिमाण 2:3:2, सेकेंड का है 1:2 एंड थर्ड का है 1:3. ओके, और यहाँ लास्ट में दे रहा है कि 1/3 भाग और द्वितीय का 1/2 और तृतीय का 2/3 पार्ट्स को हमें मिलाना है. बस यहीं पे समझना है कि कैसे ये मिलाया जा रहा है. यहाँ पे जो दे रहा है रेशियो, इससे हम पहले तो क्या करेंगे कि फिनाइल और जल हमारा कितना कितना है ये हम निकाल लेंगे. ओके, उसके बाद फिनाइल कितना है इसमें और जल कितना है ये हमें निकालना है, ठीक है. और किससे हम निकालेंगे, तो ये हमारा जो वॉल्यूम दिया है इससे हम निकालेंगे 5x, 3x और 2x मान के. ओके, तो चलो हम लोग बनाते हैं इसे क्वेश्चन नंबर 15. तो पहले हमें लिखना होगा कि लेट वॉल्यूम ऑफ द थ्री बॉटल्स आर 5x, कितना कितना दिया है 5:3:2, तो लिखेंगे 5x, 3x एंड 2x. ओके, 5x:3x:2x, सो 5x, 3x एंड 2x रेस्पेक्टिवली. ओके, वॉल्यूम ऑफ द थ्री बॉटल्स आर 5x, 3x एंड 2x. तीनों बोतल का आयतन क्रमशः 5x, 3x और 2x है. तो यहाँ पे हम फिर अब लिखेंगे कि अब रेशियो हमारा पहले बोतल का रेशियो यानी जल और फिनाइल यहाँ पे कितना है ये हमें लिखना है. तो हम यहाँ इसलिए लिखते हैं, सिंस रेशियो ऑफ, पहले फिनाइल दिया है इसलिए हम फिनाइल लिखेंगे, रेशियो ऑफ फिनाइल एंड वाटर इन द फर्स्ट बॉटल इज कितना दिया है 2:3. ओके, 2:3, सो अनुपातिक योग यानी प्रोपोर्शनल एडिशन इक्वल टू क्या हो जाएगा 2+3 दैट इज 5, ठीक है. उसके बाद प्रोपोर्शनल एडिशन निकालने के बाद क्या करना है, फिनाइल अलग निकालना है, वाटर अलग निकालना है, कितना में 5x से. तो हम यहां लिखेंगे, सो फिनाइल इन फर्स्ट बॉटल इक्वल टू
2/5 अनुपातिक योग इंटू 5x, ठीक है। 5x से यहाँ पे 5 से 5 कैंसिल हो गया, क्या बचा 2 इंटू एक्स, दैट इज 2x, ओके। उसी तरह से हम जल का भी निकालेंगे, सो वाटर इन द फर्स्ट बॉटल, आ फर्स्ट बॉटल इज 3/5 इंटू 5x, ओके। 5 से 5 कैंसिल, कितना बचा हमारा 3x, तो हम 3x निकाल लिए यहाँ पे, ओके। इसी तरह से हमें सेकेंड बॉटल का भी निकालना है, तो हम यहाँ लिखेंगे सिंस रेशियो ऑफ फिनाइल एंड वाटर इन सेकेंड बॉटल कितना दिया है यहाँ पे रेशियो हमारा 1:2, ओके। तो 1:2 से हम फिनाइल का भी प्रोपोर्शनल एडिशन निकालेंगे, हम लिखेंगे सो प्रोपोर्शनल एडिशन इक्वल टू 1+2, दैट इज 3, ठीक है। अब यहाँ उसी तरह से फिनाइल का भी हम निकाल लेंगे, कितना में निकालेंगे तो 3x में निकालेंगे, ठीक है। जो 3x हमने पहले लिखा है स्टार्टिंग में 3x, वही हम वहीं से निकालेंगे प्रोपोर्शनल एडिशन से, यहाँ हम 3x निकाल लेंगे। फिनाइल, सो फिनाइल इक्वल टू कितना हो जाएगा 1/ अनुपातिक योग, यानी 1/3 इंटू 3x, 3 से 3 कैंसिल, दैट इज ओनली यहाँ पे x बचा। उसी तरह से हम वाटर का भी निकालेंगे, फिर हम वाटर का भी निकालेंगे उसी तरह, सो अमाउंट ऑफ वाटर इन सेकेंड बॉटल इज कितना होगा 2/3 इंटू 3x, फिर 3 by 3 कैंसिल, तो क्या यहाँ पे बचा 2x, ओके। फिर उसी तरह से हम थर्ड बॉटल का भी निकालेंगे, तो यहाँ हम लिखेंगे पहले तो रेशियो लिखेंगे, सिंस रेशियो ऑफ फिनाइल एंड वाटर इन थर्ड बॉटल में फिनाइल और वाटर का रेशियो कितना है 1:3, सो अनुपातिक योग प्रोपोर्शनल एडिशन इक्वल टू कितना हो जाएगा 1+3, दैट इज 4। सो फिनाइल कितना होगा, यहाँ अमाउंट ऑफ फिनाइल इन थर्ड बॉटल में फिनाइल का अमाउंट कितना होगा 1/ अनुपातिक योग 4 इंटू कितना था हमारा 2x था, ठीक है। तो 2x लिखेंगे, 2 × 2 = 4, दैट इज कितना आया x/2, ओके। अब इसी तरह से हम वाटर का भी निकालेंगे, सो लिखेंगे अमाउंट ऑफ वाटर इन थर्ड बॉटल इक्वल टू 3/4 इंटू 2x, 2 × 4 कितना हो गया 3/2x, या फिर हम ऐसे भी लिख सकते हैं 3x/2। ये तो हमारा निकला तीनों का परिमाण, यानी कि तीनों का यहाँ पे फिनाइल और जल तीनों बॉटल में कितना कितना है, ये निकला। अब यहाँ क्वेश्चन में फिर से आप लोग देखो, बोला जा रहा है कि प्रथम बॉटल का 1/3 भाग, यानी 1/3 पार्ट, सेकेंड का 1/2 पार्ट और थर्ड का 2/3 पार्ट ही मिलाया गया है, ओके। तो उसके बाद यहाँ पे नए मिश्रण में फिनाइल और जल का अनुपात पूछा है। अब इसमें 1/3 पार्ट में ये इसमें तो फिनाइल और जल दोनों है, ओके, और दूसरे में भी फिनाइल और जल दोनों है, और तीसरे में भी सेम वही फिनाइल और जल दोनों है। तो हमें क्या करना है कि अब जितना हम निकाले हैं उसमें फिनाइल और जल इतना में कितना है वो हमें निकालना होगा, ओके। तो चलो हम लिखते हैं, सो अमाउंट
सो यहाँ पे लिखेंगे, हम लिखेंगे टोटल फिनाइल, ठीक है। यहाँ हम लिखते हैं टोटल फिनाइल इन फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड बॉटल। फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड बॉटल में टोटल फिनाइल कितना है ये हम देखेंगे। कितना कितना पार्ट हमें मिलाना है, तो वन थर्ड, ओके, वन थर्ड ऑफ फर्स्ट, ठीक है, प्लस वन थर्ड ऑफ फर्स्ट, हाफ ऑफ सेकेंड, ओके, हाफ ऑफ सेकेंड, प्लस 2/3, टू थर्ड ऑफ थर्ड बॉटल, ओके। ऐसे हमें लिखना है, वन थर्ड ऑफ फर्स्ट, टू थर्ड ऑफ सेकेंड एंड सॉरी हाफ ऑफ सेकेंड एंड टू थर्ड ऑफ थर्ड बॉटल, ओके। ये हमें ऐसे करके फिनाइल, हमें टोटल फिनाइल निकालना है। तो हम यहां से निकालते हैं फिनाइल टोटल। सो हमारा टोटल फिनाइल कितना हो जाएगा, वन थर्ड ऑफ फर्स्ट, फर्स्ट कितना था, 2x था, ओके, एंड हाफ ऑफ सेकेंड, ऑफ मीन्स होता है मल्टीप्लाई, सो हाफ ऑफ सेकेंड, सेकेंड का कितना निकला था फिनाइल, x, एंड टू थर्ड ऑफ थर्ड, दैट इज x/2 निकला था, ठीक है। तो हम यहाँ पे 2x/3 प्लस, यहाँ देखो आप लोग, x/2 प्लस 2 से 2 कैंसिल हो गया, यानी x/3 हुआ, ठीक है। तो यहां से हमारा कितना आया, रेशियो हम एलसीएम निकालेंगे, 6 हुआ, ओके। तो 6 से कितना हो जा रहा है यहाँ पे, 3 × 2 = 6, दैट इज 2 × 2 = 4x, प्लस 2 × 3 = 6, दैट इज 3x, प्लस 3 × 2 = 6, यानी 2x, ओके। तो यहाँ पे कितना हो जा रहा है, 4 × 3 = 7 × 9 x/6, ये हो गया हमारा टोटल फिनाइल, ओके। इसी तरह से हमें टोटल वाटर भी निकालना है, तो हम लिखेंगे टोटल वाटर इक्वल टू वन थर्ड ऑफ फर्स्ट प्लस हाफ ऑफ सेकेंड प्लस टू थर्ड ऑफ थर्ड बॉटल, ठीक है, थर्ड बॉटल। तो वन थर्ड ऑफ फर्स्ट का हमारा कितना आया था ये हमें लिखना होगा। तो फर्स्ट का कितना आया था, 3x आया था, ठीक है। तो यहाँ वन थर्ड ऑफ 3x प्लस हाफ ऑफ सेकेंड, सेकेंड का कितना आया था, 2x आया था, ओके, और टू थर्ड ऑफ थर्ड, थर्ड का कितना आया था, 3x/2, ठीक है। इतना हमारा वाटर आया था। सो वाटर इक्वल टू, देखिए आप लोग, 3 से 3 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल हो गया, यहाँ 2 से 2 कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, यानी कितना हो गया, x + x + x, दैट इज 3x, ओके, 3x हो गया। अब ये जो फिनाइल टोटल निकला और ये वाटर निकला, यही हमारा आंसर होगा इसका रेशियो। सो हम यहाँ पे लिखते हैं कि रेशियो ऑफ फिनाइल एंड वाटर इन न्यू मिक्सचर इक्वल टू 9x/6 = 3x, ठीक है। जब इस टाइप का रहता है ना, यदि मतलब बट्टा में रहता है, तो हमें क्या करना होता है, इसको इससे मल्टीप्लाई कर देना होता है ऊपर में, ताकि ये जो बट्टा वाला है वो कैंसिल हो जाए। तो हम यहाँ 6 से मल्टीप्लाई करते हैं, 9x/6 × 6 =, तब इससे भी उसी से मल्टीप्लाई करना होगा, = 6, ठीक है। तो देखो आप लोग, 6 से 6 कैंसिल हो गया, यानी कितना हुआ, 9x = 18x, ठीक है। x से x कैंसिल हो गया, ओके,
पहले ही मुझे कैंसिल कर देना था, ठीक है कोई बात नहीं, एक्स कैंसिल हो गया और 9 2 18 दैट इज यहाँ पे कितना हो गया 1:2, 9 1 9 एंड 9 2 18, एक्स से एक्स कैंसिल हो गया, सो हमारा आंसर हुआ 1:2, यानी 1:2 रेशियो में फिनाइल और वाटर को न्यू मिक्सचर में मिलाया गया था। ठीक है, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत ही इजी तरीका से मैंने बताया आप लोगों को, ये जो टोटल फिनाइल है और टोटल वाटर इसी तरह से हमें निकालना होगा, क्योंकि क्वेश्चन के अनुसार इसका सिर्फ 1/3 भाग ही फर्स्ट का और 1/2 भाग ही सेकंड का और 1/3 ही थर्ड का सिर्फ मिलाया गया है, तो उसी अनुसार हमें वाटर और फिनाइल को लेना भी होगा। ओके, तो होप आप लोग को मेरी वीडियो पसंद आया हो। नेक्स्ट, ये लास्ट था, इसके साथ ही ये क्वेश्चन नंबर 15 के साथ चैप्टर 12 फिनिश हुआ। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग 13 यानी अलजेब्रा हम लोग स्टार्ट करेंगे। ओके, तो आप लोग प्लीज, आप लोग मेरा चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करो, शेयर करो और हाँ कमेंट भी जरूर करो। ओके, थैंक यू, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।